मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया पर ताजा तरीन हालात कल्याणी महाजन के साथ। इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली संकल्प बाइक महारैली। कैलाश विजयवर्गीय और सुदर्शन गुप्ता ने किया रैली का शुभारंभ। आकाश विजयवर्गीय ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। भारतीय सेना की कार्रवाई पर राजनीति जारी। सागर जिले के जैसी नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में गोविंद सिंह बोले, कायर है पाकिस्तान। सीहोर में लकी ड्रॉ के नाम पर ठगी का शिकार हुई थी युवती। साइबर ठगी का शिकार हुई युवती को साइबर सेल ने वापस दिलवाए पैसे। इंदौर में बीजेपी ने अलग अलग विधानसभा में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें इंदौर की अलग अलग विधानसभा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई। विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और बोले कि राहुल गांधी एक कमजोर नेता है, उनका कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों के साथ वे खड़े होते हैं, और हम यही युवाओं को बताएंगे जिसे एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में बड़ा गणपति चौराहे पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता रैली का शुभारंभ किया। वहीं क्षेत्र क्रमांक 2 में परदेशीपुरा चौराहे पर प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, क्षेत्र क्रमांक 3 में चिमनबाग मैदान पर पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, क्षेत्र 4 में का चौराहे पर गोपी कृष्ण नेमा, क्षेत्र 5 में वेलोसिटी के पास अरविंद कवेट ठेकर तथा राव विधानसभा क्षेत्र में तेजाजी चौक से शंकर लालवानी ने रैली का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने कल हमारे जाबाज सिपाही अभिनंदन किया। बाहर के दुश्मनों से तो सेना निपट ही रही है, वह उनसे निपट ही लेगी, लेकिन हमें देश के भीतर छिपे आंतरिक दुश्मनों से भी बहुत खतरा है। इसीलिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वे आंतरिक दुश्मनों से निपटे। ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की विजय संकल्प रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। वर्तमान परिस्थिति में हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि देखो भाई, सेना को बधाई देना मोदी जी को मत देना। चलो सेना को तो बधाई दो यार, पर शर्म की बात, धिक्कार की बात जब प्रारंभ होती है जब कांग्रेस के नेता, टीएमसी के नेता ये पूछते हैं कि बताइए सबूत, और ये पहली बार नहीं हुआ, उरी की घटना हुई निश्चित रूप से शर्मनाक घटना थी, सारा देश आंदोलित था, पर इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने कह दिया सेना के जवानों को कि जाइए, कब कहां कैसे करना ये आपके ऊपर छोड़ दिया। हमारी जो सेना ने शौर्य दिखाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके खेमे में जाकर मारा, उनके बंकर नष्ट कर दिए, वापस आ गए। वापस आने के बाद ये बेशर्म कांग्रेस के लोग और तथा कथित प्रो पाकिस्तानी लोग खाते भारत का और गाना गाते हैं पाकिस्तान का। भारतीय सेना की कार्रवाई पर राजनीति जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और एमपी के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह का विवादित बयान आया है। गोविंद राजपूत के अनुसार भारतीय सेना ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल पाक कायर है, कभी हमला नहीं कर सकता। जो भाजपा में जो आतंकी के रूप में पनप रहे हैं वही हमारे और सेना के ऊपर हमले करते हैं, लेकिन वायुसेना ने उसकी कार्रवाई की मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसे कांग्रेस और जनता सलाम करती है। राजपूत ने सागर जिले के जैसी नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया को सवाल का जवाब देते हुए कहा है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। अभी जो भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति चल रही है, ये जो आप राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, इस संबंध में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, भारत पर आंख उठाने की हिम्मत पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक कायर देश है, तो कायर नमा हमले करता है। आतंकियों के रूप में जो भाजपा में लोग पनपते हैं, उन्होंने हमारी लोगों पर अटैक किया, हमारी आर्मी पर अटैक किया, लेकिन हमारी वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया
उस वायुसेना के लिए हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग और पूरी भारत की जनता सलाम करती है। साइबर अपराधी फर्जी कॉल या फिर फर्जी मैसेज कर लोगों को ठगी का शिकार बनाकर उनसे रुपए ऐंठ रहे हैं और पुलिस की समझाइश के बावजूद भी लोग ऐसे अपराधियों के चुंगल में फंस ही जाते हैं। पुलिस ने साइबर सेल और बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके एक युवती को डीडी वापस लौटाई है। सीहोर नगर की श्रीराम कॉलोनी में रहने वाली निशा परमार के मोबाइल पर 16 फरवरी 2019 को मोबाइल नंबर 9294514492 से मैसेज आया, जिसमें आइडिया कंपनी की लकी ड्रॉ के नाम पर 5,00,000 का इनाम और 1500 सीसी की मोटरसाइकिल इनाम में मिलने का लिखा था। इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए कहा और इसके बाद मोबाइल नंबर 9171928138 से फ़ोन आया और बैंक डिटेल्स लिया तथा यह भी कहा गया कि इस नंबर पर लकी ड्रॉ का पैसा इसी खाते में आएगा। इसके बाद जीएसटी के लिए 12,600 रुपये जमा करने को कहा गया। अब आवेदिका ने खाता नंबर 3715049670 IFC कोड CBIN 0284365 जो चंद्रभान पटेल के नाम से था उसमें पैसे डाल दिए। फिर उसके बाद खाते की लिमिट बढ़ाने के लिए 18,300 रुपये और डालने को कहा तो युवती ने विरोध किया। इस पर सामने वाले ने कहा कि 4 बजे तक खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। इस पूरी घटना की सूचना युवती ने 18 फरवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीहोर में दी। साइबर सेल टीम के सदस्यों ने सेंट्रल बैंक सीहोर के बैंक मैनेजर अजय सक्सेना से संपर्क स्थापित कर आरोपी के छत्तीसगढ़ मुंगेली स्थित शाखा से खाते को फ्रीज कराया। इसके बाद फर्जी तरीके से खाते में आए 12,600 रुपये वापस युवती को दिलवाए। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। लॉटरी के द्वारा कुछ कैश और एक बाइक जो है वो इनाम के रूप में मिल रही है। इस इनाम को जीतने के लिए उनको कुछ राशि बोली गई, 12,600 रुपये शुल्क के रूप में एक खाते में जमा करने को बोला गया। जब इन्होंने ये खाते में जमा कर दिया पैसा, तब इन्हें पता चला कि ये कोई लॉटरी का नहीं बल्कि फ्रॉड का केस था और वो शिकायत इन्होंने कार्यालय में आगे की पुलिस विभाग को। और हमें पुलिस विभाग द्वारा सूचना दी गई कि ये पैसा जो है इस खाते में आया है और ये एक फ्रॉड का पैसा है। सिंस ये अकाउंट हमारी ब्रांच में नहीं था, दूसरी ब्रांच में था, हमने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए होल्ड लगाया खाते पर। जी सर, मेरे पास एक मैसेजेस आया था कि आपका आईडिया नंबर जो है लकी ड्रा पाया गया है, तो इसमें आपको 5,00,000 का इनाम प्लस 150 सीसी की बाइक मिलेगी। तो सर, उन्होंने मुझे कॉल करके ये बताया गया कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे सेंड कर दीजिए और आपका जो आधार नंबर है वो मुझे बता दीजिए। तो मैंने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, बस अपना जो पिन नंबर होता है और जो ओटीपी होता है वो नहीं दिया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास एक मैसेजेस आएगा, 15 मिनट के जस्ट बाद ही आपको बैंक के जो कार्यकर्ता है वो कॉल करेंगे, मैनेजर, तो आप उनको बता दीजिएगा। फिर सर, उन्होंने मुझसे, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 15 मिनट में आपका पेमेंट आएगा। फिर कहा कि आपको इसके लिए जो आपका पेमेंट है वो जा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आपके खाते की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। तो वहाँ जाके फिर मैंने देखा कि मतलब खाते की, सेविंग खाते की कोई लिमिट होती नहीं है। तब जाके मेरा माइंड थोड़ा सा मतलब समय पे ही थोड़ा मैं समझ गई कि देखो सेविंग खाते की कोई लिमिट होती नहीं है। मैं फ़ौरन स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन, मैंने वहाँ जाके मैम मतलब FIR दर्ज करवाई। हमारे यहाँ 16 फरवरी को एक कंप्लेंट हुई थी, उसमें निशा परमार ने ये कंप्लेंट की थी कि उसको कोई एक मैसेज आया जिसमें एक कंपनी विशेष के द्वारा उसे 5,00,000 रुपये कैश और 1500 सीसी की एक मोटरसाइकिल इनाम पर मिलाया करके। इस पर वो फर्दर उन्होंने जब कम्युनिकेशन किया तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्हें 12,600 रुपये उसके अकाउंट में जमा करना पड़ा GST शुल्क के रूप में। बाद में उन्हें पता चला कि ये उनके साथ फ्रॉड हो गया, तो उन्होंने क्या आप जानते हैं कि अदरक इतना चमकता क्यों है? क्योंकि इसे एसिड से साफ किया जाता है। लौकी का वजन बढ़ाने के लिए बेहद नुकसानदायक इंजेक्शन लगाए जाते हैं और हरी सब्जियों में हरियाली लाने के लिए खतरनाक हरा कलर मिलाया जाता है। इतना ही नहीं, सब्जी बेचने वाले पानी कहाँ से लाते हैं? दरअसल सब्जी पर छिड़कने के लिए ऐसा पानी इस्तेमाल किया जाता है जिससे हेल्दी तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता, फल और सब्जियों में मिले इस जहर से कैंसर और कई अन्य खतरनाक बीमारियां तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। खंडवा जिले के किसान दीपक अग्रवाल ने लोगों को सेहतमंद ऑर्गेनिक सब्जी उपलब्ध करवा कर एक अच्छी पहल की है।
खंडवा जिले में दीपक अग्रवाल के 25 एकड़ के खेत में जैविक उत्पाद लिए जा रहे हैं। इस समय खेत में नींबू की बम्पर आवक हो रही है। यहां लगे 3000 नींबू के पौधों पर नींबू लटालूम लगे हुए हैं। इस समय बाजारों से देसी नींबू विदा ले चुका है। ऐसे में ये नींबू लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ गिर गाय का शुद्ध घी भी उपलब्ध है। इसका उपयोग घी बनाने में होता है। इतना ही नहीं, गायों को ऑर्गेनिक चारा ही खिलाया जाता है, जिससे यहाँ का दूध और घी पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। इस खेत में मधुमक्खियां भी पाली गई हैं। खंडवा जिले के किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से पेस्टिसाइड रहित खेती करने और बाजार में अच्छे दामों पर बेचने में मदद कर रहे दीपक अग्रवाल के मुताबिक, हमने जैविक खेती की शुरुआत इसलिए की ताकि समाज को हम कुछ लौटा सके। समाज हमारी तरक्की में इतना योगदान देता है और हमारी ये कोशिश है कि शुद्ध सब्जियों, फल, घी और अन्य सेहतमंद ऑर्गेनिक उत्पादों के जरिए हम समाज को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाए और लोगों को सेहतमंद बताए। ये जो सीडलेस वेराइटी है, इसकी जो किस्म है, जो वेराइटी हम बता रहे हैं, वो गुडिंग वेराइटी है। इसके आप पौधे पे फल की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल रही होगी। ये इसलिए मिल रही है कि क्योंकि हमने यहाँ मधुमक्खी पालन किया हुआ है। हमारे यहाँ 50 पेटियाँ हैं जो विभाग के द्वारा कृषक लेके आए हैं। उसके बाद हमने जब ये लगाया, उससे हम ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए हैं। यहाँ पहले फूलों की संख्या कम होने के कारण प्रोडक्शन कम हो रहा था। जब से हमने मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया है, उसके बाद इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि देश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आयुष्मान भारत की तरफ जो योगदान है, तो ये मेरा योगदान है। मुझे सोसाइटी को कुछ देने की इच्छा थी, मेरे परिवार को सोसाइटी के बाद कुछ देने की इच्छा थी, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। 100% ऑर्गेनिक पूरा का पूरा फार्म है 20 एकड़ का, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके सहयोग से हमने इसको डेवलप किया है। और इसमें IIM इंदौर जो है वो एक स्टेक होल्डर है। और नई वैरायटी है और बहुत उपयोगी है। और ये जो नींबू की जो वैरायटी है, ये राज्य पोषित योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। और लगभग इन पौधों का 2 वर्ष हो गया है और उसकी जो फ्रूटिंग है अभी स्टार्ट है, ये काफ़ी अच्छी है। एक पौधे पर टेंटेटिव कितने फल आते हैं इसमें फिलहाल? तो हमारे पास जो इसमें पौधे जो दिख रहे हैं उसमें 10 किलो के लगभग है पर पौधा। और जब इसकी केनोपी आकार की बढ़ेगी तो हर वर्ष के आधार पे उसके इंक्रीज होता जाएगा। खंडवा से संजय चौबे के साथ असलम खान की रिपोर्ट। भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव के चलते देश में अमन और शांति को लेकर जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, कोई हवन कर रहा है तो कोई सुंदरकांड के आयोजन कर रहा है। वहीं देपालपुर में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के छात्र छात्राओं तथा महिलाओं ने एक नया तरीका अपनाया है। सभी ने मिलकर भगवान की एक विशेष वेशभूषा तैयार की और विश्व के 5वें धाम कहे जाने वाले देपालपुर के सार्वभौम श्री 24 अवतार मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पूरे विधि विधान और पूजन कर अर्पण किया गया और देश में अमन, चैन और शांति की प्रार्थना की गई। साथ ही शहीदों की आत्मा के शांति के लिए भी भगवान से प्रार्थना की गई। देपालपुर से जितेंद्र तंवर की रिपोर्ट। कहा जाता है कि आज की एकादशी का बहुत महत्व रहता है, तो हम लोगों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा अर्चना करके उन्हें एक वस्त्र अर्पण किए हैं। उसका कारण यही है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी चल रहा है, उसमें अमन और शांति के लिए हम लोगों ने पूजा अर्चना की है। हिंदुस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति चल रही है, इसी को देखते हुए हमारे कौशल योजना की तरफ से सारी लेडीजों ने मिलकर एकादशी के पावन पर्व पर श्री 24 अवतार मंदिर पर वस्त्र चढ़ाए। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।